दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बारिश के बाद कोलकाता और राजस्थान के बीच 5 ओवर का हुआ रोमांचक मैच। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बारिश के बाद कोलकाता और राजस्थान के बीच रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के बाद रिंकू सिंह ने अपने बल्लों से रनों की बारिश करते हुए ऐसा कहर बरपाया जिसके सामने राजस्थान की टीम के गेंदबाज चारों खाने चित्त हो गए। तो आखिरकार कैसे बारिश के बाद रिंकू सिंह ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर कोलकाता की टीम को जीत दिलाई है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच कोलकाता और राजस्थान के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान गुवाहाटी में खेला गया, जहां पर इस मैच में बारिश के चलते टॉस काफी देरी से हुआ। लेकिन जब मैच रद्द होने के कगार पर पहुंच गया तो दोनों टीमों के कप्तान के साथ अंपायर ने काफी बातचीत करते हुए 5 ओवर के मैच को करने का फैसला किया और इस बीच राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर गेंदबाजी की शुरुआत वैभव अरोड़ा ने की। इस बीच राजस्थान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और कूलर ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कूलर चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर LBW आउट होते हुए अपना विकेट ले बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए, जहां पर इस ओवर के अंदर दोनों ने अपना अपना खाता खोला और इस बीच पहले ओवर के अंदर मात्र 8 रन आए। लेकिन जब दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए तो उनके सामने यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका और 2 छक्के लगाते हुए 16 रन बटोरे और अपना विकेट भी इसी ओवर के अंदर क्लीन बोल्ड होते हुए 18 रन के स्कोर पर दे दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आए तो वहीं संजू सैमसन के साथ उन्होंने टीम को संभाला। इस बीच गेंदबाजी करने सुनील नारायण आए, जहां पर रियान पराग ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए अपना विकेट छक्का लगाने के तुरंत बाद 14 रन के स्कोर पर LBW आउट होते हुए दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोमन पावेल आए, जिनके सामने मिचेल स्टॉक ने 1 छक्का खाने के बाद 8 रन के स्कोर पर रोमन पावेल को LBW आउट कर दिया। ऐसे में अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए, जिनके सामने कप्तान संजू सैमसन ने तहलका मचा दिया। इस बीच कप्तान संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर के अंदर लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाए और अगली 2 गेंद पर 1 भी रन नहीं बनाया और अंतिम गेंद पर अपना छक्का लगा दिया, जिसके चलते उन्होंने 22 रन की पारी खेली और इसी के साथ 62 रन राजस्थान की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर बना दिया। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की टीम आई, जहां पर कोलकाता की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रहमतुल्ला गुरबाज और सुनील नारायण आए तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत ट्रेंट बोल्ट की और इस बीच ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रहमतुल्ला गुरबाज को चौका लगाने के बाद LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शेष अय्यर मैदान पर आए। हालांकि पहले ओवर में मात्र 5 रन आए तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा आए, जिनके सामने सुनील नारायण ने एक और छक्का लगा दिया और 1 चौका लगा दिया। इस बीच तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जिन्होंने सुनील नारायण को 14 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने वेंकटेश अय्यर आए और दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर इस ओवर में 5 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए, जिसके सामने वेंकटेश अय्यर ने पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद अब दूसरी गेंद पर अपना विकेट दे दिया। वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल ने लगातार 3 गेंद के अंदर 3 बेहतरीन चौके लगाते हुए अपना विकेट 12 रन के स्कोर पर दे दिया और अब यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 17 रन की जरूरत थी, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए और इस बीच बल्लेबाजी पर रिंकू सिंह मौजूद थे, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 भी रन नहीं बनाया लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाते हुए मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन इस बीच जब अंतिम 4 गेंद पर 13 रन की आवश्यकता पड़ी तो रिंकू सिंह के पैरों पर डाली गई गेंद को रिंकू सिंह ने छक्के में तब्दील किया और इस बीच गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से फोटोज गेंद डाल डाले थे। आवेश खान के सामने रिंकू सिंह ने शानदार चौका लगाया और जब 2 गेंद पर 3 रन की जरूरत पड़ी तो 5वीं गेंद पर 1 भी रन नहीं पाया और इस बीच अंतिम गेंद पर 3 रन की जरूरत पड़ी तो रिंकू सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ छक्का लगाते हुए कोलकाता की टीम को इस मैच में जीत दिलाई और क्वालिफायर में जीतने के लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार फाइनल में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों IPL अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और प्लेऑफ के लिए 4 टीमें भी मिल चुकी हैं, जहां कोलकाता नाइट राइडर पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर मौजूद है, वहीं हैदराबाद की टीम आज का मुकाबला जीतने के बाद दूसरे पायदान पर मौजूद है, वहीं राजस्थान रॉयल्स तीसरे पायदान पर 16 अंकों के साथ मौजूद है और चौथे पायदान के लिए बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा गया। अंत में बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई को हराकर अपनी जगह पक्की कर ली, यानी कि यह 4 में प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अब तो आए दिन रोमांच देखने को मिल रहा है और सभी टीम बेहद खतरनाक है, हर किसी की निगाहें अपनी फेवरेट टीम पर टिकी हुई है। आपको बता दें आज का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने हैदराबाद के सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट खोकर बड़ी आसानी से 19.1 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर पंजाब को 6 विकेट से करारी हार का स्वाद चखा दिया। आपको बता दें इस मैच के रियल हीरो रहे अभिषेक शर्मा और उन्होंने अपनी टीम के लिए 28 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, जिसके कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और अवार्ड लेने के बाद वे थोड़े से भावुक नजर आए, लेकिन बयान देते ही उन्होंने RCB को धूल चटाने तक की बात कह दी। यहां तक कि खुलेआम विराट कोहली को धमकी भी दे डाली और उनका यह बयान धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको अभिषेक के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बेंगलुरु को धमकी देते हुए कहा है। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद अभिषेक शर्मा ने बेंगलुरु को खुली धमकी देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर काफी खुश हूं, यह सीजन हमारे लिए बहुत शानदार रहा और मेरे बल्ले से हर मैच में रन निकले हैं, इसके लिए थैंक यू अपने गुरु युवराज सिंह को कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और यहां तक कि मैं विराट सर से भी बहुत कुछ सीखा है।
मैं सब कुछ उन्हीं को वीडियोस देखता हूं, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं, लेकिन हमारे सामने फाइनल या सेमीफाइनल में कोई भी टीम आएगी तो हम चींटी की तरह मसल कर रख देंगे, चाहे क्यों ना विराट सर की टीम बेंगलुरु हो। हम किसी भी हाल में इस बार बेंगलुरु को हरा कर रहेंगे और वैसे भी इस बार की ट्रॉफी हमारी है। हमने बहुत मेहनत की अपनी टीम को यहां तक पहुंचाकर, हम जीत कर रहेंगे। वैसे भी मुझे बेंगलुरु की टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है, बेंगलुरु की गेंदबाजी लाइन अब बहुत खराब है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अभिषेक शर्मा ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कोहली को ही दे डाली धमकी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हैदराबाद और पंजाब के बीच आज हैदराबाद के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में पंजाब की टीम के कप्तान सैम करन के जाने के बाद जितेश शर्मा ने टीम की कप्तानी करते हुए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच पंजाब की टीम ने सभी को हैरान करते हुए इतिहास में पहली बार एक विदेशी खिलाड़ी के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया, जहां पर पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जहां पर पंजाब की टीम के लिए सर्वाधिक 71 रनों का योगदान दिया। तो वहीं इस मैच में हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई, हैदराबाद की टीम के लिए सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पंजाब की टीम के खिलाफ इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टॉप 2 के करीब जाने का काम किया। इस बीच हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के सामने अपना विकेट दे दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने 18 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 33 रनों की पारी खेलने के बाद 5 ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर आते हैं। तो वहीं पावर प्ले के अंदर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर आज हैदराबाद की टीम ने बना दिए। इस बीच नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 57 रनों की साझेदारी की। इस बीच अभिषेक शर्मा ने 8 ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी 11वें ओवर में टूट गई थी, जहां पर शशांक सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को 28 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के की मदद से 66 रन बनाने के बाद शिवम सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। और ऐसे में अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन आते हैं, जिन्होंने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर 47 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन इस बीच 14वें ओवर में नीतीश रेड्डी को हर्षल पटेल ने 25 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 रन बनाने के बाद शिवम सिंह के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद अब शहबाज अहमद बल्लेबाजी के लिए आए। तो दूसरी तरफ से हेनरिक क्लासेन ने तूफानी पारी खेलते हुए लगातार छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और हैदराबाद की टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों इस मैच में हैदराबाद की टीम की तूफानी बल्लेबाजी को आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पंजाब और हैदराबाद के बीच घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी की। इस बीच पंजाब की टीम ने 20 ओवर के अंदर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में हैदराबाद की टीम ने इस मैच में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज की, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच हैदराबाद की टीम के लिए नटराजन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए, तो वहीं बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि पंजाब की टीम के लिए इस मैच में सभी गेंदबाज और बल्लेबाज ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा कर सभी को प्रभावित किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी बल्लेबाज और सभी गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जिस प्रकार से आज हैदराबाद की टीम के सामने पंजाब की टीम के गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया, उसको लेकर चिंता में आना चाहिए। मेरा मानना है कि हैदराबाद की टीम इस बार फाइनल में भी अब पहुंच सकती है। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। आज के दिन हैदराबाद की टीम की तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है, साथ में बल्लेबाजों ने भी काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया और बताया है
कि हैदराबाद की टीम पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी और टीम के पास में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पंजाब की टीम के लिए इस मैच में कोई भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि पंजाब की टीम की शुरुआत बल्लेबाजी में भी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से हुई, लेकिन बेहतर तरीके से समापन पंजाब की टीम के बल्लेबाज नहीं कर पाए।